सो हे गाइज, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। गाइज चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर। आज का एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल और कमाल का होने वाला है। गाइड वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और राइट, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ग्लास लिया है और एक जार लिया है, ये देख सकते हो गाइज। और यहाँ पे मैंने दो कैंडल लिया है, ये देख सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हम इस कैंडल को जला करके यहाँ पे इसे फिक्स कर लेते हैं। तो पहले हम इसे जला लेते हैं गाइज, करते हैं साइड। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैंडल जला लिया है। और गाइज अब हम इसे इस कैंडल के ऊपर ऐसे रख देंगे गाइज, और देखते हैं कि सबसे पहले कौन बुझता है गाइज, कौन सा कैंडल सबसे पहले बुझता है, ग्लास में वाला या इस जार में वाला। तो गाइज जिसके अंदर सबसे कम ऑक्सीजन होगा वो जल्दी बुझेगा। तो यहाँ पे इसमें का ये जो ग्लास है इसमें क्या कैंडल जल्दी बुझता है, यानी कि इसमें कम ऑक्सीजन है और इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है। गाइज हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो गाइज जैसे ही इसमें के ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो इसके अंदर का जो कैंडल हो वो बुझ गया गाइज, इसके अंदर का कैंडल बुझ गया। तो गाइज ग्लास छोटा है इसलिए इसमें कम ऑक्सीजन है, इसलिए इसके अंदर का कैंडल जल्दी बुझा था। और ये जार थोड़ा सा उससे बड़ा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक जला था गाइज। और राइट, तो गाइज वीडियो पसंद आता है, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।